दोस्तों आज का इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एयरटेल का अंदर स्पीड टेस्ट करके बताने वाला हूं कि मेरे एरिया के अंदर मुझे कितना एयरटेल का अंदर स्पीड मिलता है। दोस्तों आप सभी लोगों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था जब मैंने जियो का स्पीड टेस्ट करके बताया था, तो आप लोगों ने बताया था कि भाई आप एयरटेल के अंदर भी स्पीड टेस्ट करके बताओ। तो आज का इस वीडियो का अंदर मैं आप लोगों को एयरटेल के अंदर मैं स्पीड टेस्ट करके बताने वाला हूँ कि मेरे एरिया के अंदर एयरटेल के अंदर मुझे कितना स्पीड मिल रहा है। तो वीडियो के एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए मैडम इसकी आज के इस छोटी सी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोगों को देख सकते हैं मैं मेरा स्पीड टेस्ट यहाँ पर मैंने चालू कर दिया ओकला एप्लीकेशन में। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं मुझे कितना स्पीड मिल रहा है। ओके यहाँ पर अभी हम लोग देख सकते हैं मुझे डाउनलोड स्पीड यहाँ पर 90, 80, 70 MBPS मुझे अभी मिल रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर मुझे एक्चुअल स्पीड कितना मिलता है। यहाँ पर 16.22, 23। ओके यहाँ पर मुझे जो डाउनलोड स्पीड मिला है यहाँ पर एयरटेल के अंदर वो मिला है 16.3 MBPS मुझे अभी डाउनलोड स्पीड मिला है। और अपलोडिंग स्पीड अभी जो यहाँ पर चालू है तो अभी लोग देख सकते हैं अपलोडिंग स्पीड मुझे अभी यहाँ पर कितना मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 1 MBPS के ऊपर ही मुझे यहाँ पर डाउनलोड अपलोडिंग स्पीड यहाँ पर मिल रहा है। तो अपलोडिंग स्पीड मुझे यहाँ पर मिला है 1.77 MBPS। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मेरे एरिया के अंदर मुझे एयरटेल के अंदर जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो मुझे 16 MBPS के ऊपर मिल रहा है और जो अपलोडिंग स्पीड है वो मुझे करीब करीब 1.5 MBPS के ऊपर मिल रहा है। तो दोस्तों आप लोग देखा कि मेरे एरिया के अंदर मुझे एयरटेल के अंदर कितना स्पीड मिल रहा है। आपके एरिया के अंदर कितने एयरटेल का स्पीड आपको मिल रहा है वो हमारे वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आप कॉमेंट करके एक बार जरूर बताएगा। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल में नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब करके पास में देखे बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो। इसी तरीके का लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और आज के वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो के कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताइएगा।